नीलम आर्ट एंड रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दी भगाने वाली राबड़ी। ये हमारी विंटर स्पेशल ड्रिंक बहुत खास है क्योंकि ये हेल्दी तो है ही, साथ ही 2 मिनट में आपकी सर्दी छुमंतर कर देगी। तो चलिए जल्दी से हम ये राबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है बाजरे का आटा जिसको हमने छाना है। बाजरे के बहुत फायदे हैं, ये बाल झड़ने से रोकता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और शुगर भी कंट्रोल करता है। तो आप इसे सर्दी में ज़रूर खाइए, खासकर ये राबड़ी। आटा छन जाने के बाद हमने इसमें छाछ ली है, थोड़ी छाछ इसमें मिक्स करनी है, सारी नहीं डालनी है। आप इस थोड़ी सी छाछ को डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए ताकि इसमें गांठे ना पड़े। अब थोड़ा सा पानी डाला है और फिर से हमने इसको मिक्स किया है। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक लिया है, जीरा पाउडर डाला है और इनको यहाँ पर हमने मिला लिया है। आप इसको सर्दी में ज़रूर पीजिए, सर्दी आपकी भागेगी और आपको पीकर इसको मज़ा भी आएगा। यहाँ हमने गैस ऑन करके इसको भारी तले के बर्तन में रखा है और ये इतना पतला रखा है जितना हम आपको यहाँ वीडियो में दिखा रहे हैं। गैस आपकी नॉर्मल रहेगी, इसको चलाते रहिए और ये चलाते चलाते देखिए गाढ़ी हो जाएगी। जब ये गाढ़ी हो जाए तो इसमें फिर से थोड़ी सी छाछ आप मिला दीजिए और फिर से इसको चलाते रहिए। इसको बनने में 40 से 45 मिनट लगेंगे और यही आपको प्रोसीजर करते रहना है। जब ये गाढ़ी हो जाए तो छाछ मिलाते रहना है और चलाते रहना है जब तक कि आपकी सारी छाछ खत्म ना हो जाए। इसी तरह से ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए ये हमारी राबड़ी अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप इसको गर्म गर्म ही सर्व करिए। देखिए तैयार होने के बाद ये इतनी गाढ़ी रहेगी, आप इसको गर्म चाय या दूध या कॉफ़ी जैसे पीते ही वैसे ही आप इसको गर्म गर्म पीजिए और अपनी सर्दी भगाइए। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर छाछ, 1 कप बाजरे का आटा, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। अगर आपको हमारा ये सर्दी भगाने वाला राबड़ी का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप ऐसे ही लाजवाब रेसिपीज़ देखते रहें, सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।